जी जी अब एक शो मैं कर रहा हूँ जो कपिल की फैमिली के साथ कर रहा हूँ मैं। सोनी पे आने की हमको ये खुशी है कि मैंने अपने करियर की शुरुआत नजबलिए से की थी पहले स्टार से, लेकिन उसके बाद मैंने कॉमेडी सर्कस जब किया तो मेरे एक लाइफ का बोलते ना एक मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसा शो कर रहा हूँ जिसके 25 सीज़न आएंगे और जिससे सारे लोग कंट्री के बड़े बड़े एंटरटेनर्स बन जाएंगे, सब किसी को नहीं पता था। तो वो शो चला 8 साल हमने चलाया। तो अभी सोनी का यही प्लान था कि अब कपिल सोनी पर आ गया है तो क्यों ना अब कृष्णा को भी हम इसी चैनल पर ले आए जो कि हमारा ही बंदा है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी एसोसिएटेड विथ सोनी एंटरटेनमेंट। 8 साल काम किया है, फिर से जुड़ेंगे साथ में। कलर्स ने भी हमको बहुत दिया, बचाव दिया, इंडिया बनेगा मंच दिया, अच्छा चलाया हमने। लेकिन अभी ये जो नया शो है, प्रीति जो है इसकी क्रिएटिव है और प्रीति अच्छा इंटेलिजेंट भी है चीज़ों को संभालने में, तो मुझे लगता है बढ़िया और मेरे लिए नया कॉम्बिनेशन है। देखो चक्कर है कि आपने रोज़ आलू गोभी देख ली, अभी आलू गोभी खा के पक जाता है आदमी, तो थोड़ा सा गोभी मटर पनीर, अभी हम लोग गोभी मटर पनीर ला रहे हैं। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कपिल से कोई लेना देना नहीं है। कपिल अपना शो कर रहा है 9 से 10 और 8 से 9 मैं आऊँगा, तो अच्छी बात है, कोई राइवलरी नहीं। अभी हम बचाओ और कपिल का शो ऐसा था 9 बजे 9 से 10 कौन देखता है, इसको देखता है ठीक है। अब ये होगा कि 8 से 9 हम आएंगे, 9 से 10 वो आएगा, तो वो क्या बोलते हैं, हम दोनों एक ही चैनल पे आ गए हैं। और मैंने खुद बोला है इस बार कि मुझे कपिल के शो पे जाना है प्रमोशन करने के लिए, और तो 5 साल बाद पहली बार हो सकता है कि हम दोनों पहली बार स्टेज पे नज़र आएं साथ में, तो वो दिन का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अब मेरा शो शुरू हो और मैं उसके शो पे जाऊँ।